मेरे YouTube चैनल हिमा कृष्ण ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेके आई हूँ। इस वीडियो में हम बिना अस्तर के नेट के पफ वाला डिज़ाइन कैसे बनाएंगे वो सीखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, एक पेपर लेना है, उस पर अपना परफेक्ट अस्तीन जो आप पहनते हैं उसको नाप करके कट करके लेना है। तो ये मैंने परफेक्ट जो मेरा बाहीं था ये मैंने कट करके ले लिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, नेट के कपड़े का जो हम अस्तीन काटेंगे, तो देखिए हमने सबसे पहले काट के इसको रख लिया है, पर हमने ये कितना ज़्यादा लिया है ये मैं आपको बताती हूँ। तो क्या करेंगे, इस पेपर को बराबर इस तरह रख लेंगे जो हमने अपना परफेक्ट अस्तीन काटा है, इसको इस तरह हमने देखिए रखा। यहाँ पर रखने के बाद हमने क्या किया है, यहाँ पर देखिए कपड़ा हमने एक्स्ट्रा लिया है और यहाँ भी हमने कपड़ा एक्स्ट्रा लिया है। तो देखिए इसको कितना हमने लिया है, देखिए 3 इंच हमने यहाँ पर नेट का कपड़ा ज़्यादा लिया। तो 3 इंच अगर हमने एक साइड काटा है तो दोनों साइड 3-3 इंच हो जाएगा, मतलब 6 इंच का कपड़ा हमने ज़्यादा लिया है। तो आप अगर नेट ज़्यादा रखना चाहती हैं पफ में तो क्या करना है आपको, इसमें 5-5 इंच का भी आप रख सकती हैं। मुझे चुन्नट इसमें कम डालना है इसलिए हमने 3-3 इंच का लिया। और यहाँ पर जो मैंने 1.5 इंच का कपड़ा लिया है ये मैंने इसलिए लिया कि पफ हमारा गहराई में हमको बनाना है, तो इसलिए यहाँ पर कपड़ा आप 2 इंच अस्तीन आपको जितनी लंबी चाहिए आप उतनी लंबी रख सकते हैं अपने अनुसार। अब चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अस्तीन को इस तरह फोल्ड करके हमें रखना है। तो इस तरह हमने क्या किया, फोल्ड किया। उसके बाद दूसरी बार हम क्या करेंगे, इस तरह इसके ऊपर फोल्ड कर देंगे और यहाँ पर हम बीच में एक कट लगा लेंगे। इस तरह हम छोटा सा एक कट लगा लेंगे दोनों साइड। देखिए हमने कट लगा लिया। अब हम क्या करें, इससे हमें क्या पता चलेगा कि हमें चुन्नट कहाँ तक डालना है। तो अब इस तरह इसको खोलेंगे और जहाँ हमने कट लिया है 3 हमें फोल्ड, यहाँ पर एक फोल्ड इस तरह और दूसरा एक और थोड़ी दूरी पे और तीसरा यहाँ, 3 हम चुन्नट यहाँ से डालेंगे, 3 चुन्नट हम यहाँ से डालेंगे। तो चलिए अब चुन्नट बना लेते हैं। देखिए 3 चुन्नट हमने इस साइड से और 3 चुन्नट हमने इस साइड से डाल दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह घुमाएंगे, जो चुन्नट हमने डाला है उसी के ऊपर इस साइड से भी हमें सिलाई कर लेना है। तो चलिए सिलाई कर लेते हैं। देखिए हमने इस साइड से भी सिलाई कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इस तरह हमें एक पट्टी लेना है, पट्टी को हमें तिरछी पट्टी कट करके उसे ज्वाइंट करके ले लेना है। आपके पास अगर सीधी कपड़ा ज़्यादा है आप सीधा पट्टी भी कट करके ले सकते हैं। अब चलिए क्या करेंगे, इसके ऊपर हम इस तरह सिंगल रख के सीधा एक सिलाई लगाएंगे। तो चलिए सिलाई लगा लेते हैं। देखिए हमने क्या किया है, यहाँ पर एक सिलाई लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे, इस कपड़े को इस तरह हम क्या करेंगे, फोल्ड करेंगे ऐसे करके इस तरह, और नाखून की सहायता से इस कपड़े को सीधा ऐसे करते करते इसके ऊपर हम क्या करेंगे, प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद यहाँ पर एक दाब सिलाई लगाएंगे। तो चलिए दाब सिलाई लगा लेते हैं। देखिए हमने दाब सिलाई लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह उल्टा कर लेंगे। उल्टा करने के बाद एक बार फोल्ड इसके ऊपर करके दूसरा जो हम इसके ऊपर फोल्ड इस तरह कर देंगे, एक पट्टी हमारी तैयार हो जाएगी। अब इसके ऊपर हम 2 सिलाई लगा लेंगे। तो चलिए 2 सिलाई लगा लेते हैं। देखिए हमने पट्टी को फोल्ड करके 2 सिलाई लगा लिया है। अब क्या करेंगे, इसे सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद देखिए इस तरह हमने जो चुन्नट डाला है ये पफ हमारा इस तरह बनके तैयार होगा। और ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर करिएगा। चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। वीडियो को फुल वॉच करें। थैंक यू।